हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बहुत स्वादिष्ट कस्टर्ड बनाने जा रही हूँ, तो 5 मिनट में रेडी हो जाते हैं। चलिए फिर फटाफट स्टार्ट करते हैं। कस्टर्ड बनाने के लिए मुझे चाहिए 1 मिनट, शुगर, एक टूटी फूटी गार्निशिंग के लिए चॉकलेट चिप्स गार्निशिंग के लिए। मैंने फ्रूट्स में यहाँ पे ऑरेंजेस लिए हैं, नाशपाती लिए हैं और ये एप्पल एंड ए बनाना। मुझे यही फ्रूट्स पसंद है इसलिए मैंने ये डाले। आप कोई भी फ्रूट्स डाल सकते हैं। और मैंने ड्राई फ्रूट्स में लिए काजू बारीक कटे हुए, आलमंड बारीक कटे हुए एंड ए किशमिश बारीक कटे हुए, कस्टर्ड पाउडर एंड ए मिल्क। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे गैस ऑन कर दे रही हूँ, फिर मैं 1/2 लीटर दूध ऐड करूंगी ताकि बॉईल ना आ जाए। मैं ऐसे ही गैस पे इसको रखूंगी और फिर आगे का प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दूंगी। मैंने यहाँ पे 1/4 कप नॉर्मल मिल्क लिया है, रूम टेम्परेचर वाला, और इसमें मैं कस्टर्ड पाउडर ऐड करूंगी 2 स्पून। रूम टेम्परेचर वाला ही मिल्क आप लोग यूज़ कीजिएगा, नहीं तो ये फिर इसमें लम्स आ जाएंगे। अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब ये रेडी हो गए हैं, मैं इसको साइड में रखती हूँ। देखिए ये अभी दूध में उबल आ गए हैं, बॉयल हो रहे हैं। अभी जो कस्टर्ड पाउडर एंड मिल्क मिक्स्ड करके मैंने रखे थे, अभी मैं ये ऐड करूँगी। अभी मैंने एक छाकनी लिया है और एक दूध, जो मिक्स्ड किया हुआ जो कस्टर्ड पाउडर एंड मिल्क है, अभी मैं इसमें ऐसे करके डाल दूंगी। कोई भी लम्स रहे तो फिर इसमें अटक जाएंगे। अभी इसको ऐसे ही चलाना है 2-3 मिनट्स तक। ये जब गाढ़ा हो जाएंगे तो फिर मैं इसमें मिल्क में ये ऐड करूंगी। शुगर इलायची ऐड करूंगी, आप इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। देखिए ये कस्टर्ड मेरा रेडी हो गया है। स्पून में देखिए कितना अच्छा डिवाइड हो रहा है, मतलब रेडी हो गया है। अभी मैं इसको छोड़ूंगी रूम टेम्परेचर होने के लिए। देखिए ये अभी रूम टेम्परेचर में आ गए, ज्यादा गाढ़ा भी नहीं है, ज्यादा लिक्विड भी नहीं है। अभी मैं इसमें जो फ्रूट्स मैंने कट करके रखे थे, अभी मैं ये डाल रही हूँ। अभी मैं फ्रूट कस्टर्ड को फ्रिज में शिफ्ट कर दूंगी, एकदम चिल्ड होने के बाद इसको गार्निश करके सर्व कर दूंगी। 30 मिनट्स तक मैंने कस्टर्ड को फ्रिज में रखे थे, उसके बाद मैं गार्निश कर रही हूँ। अभी मैं टूटी फूटी डाल रही हूँ। मैं यहाँ पे बारीक कटी हुई आलमंड, बारीक कटी हुई काजू, बारीक कटी हुई किशमिश मैंने स्पेशल बच्चों के लिए रखे हैं, मतलब चोको चिप्स। चलिए ये स्पेशल मैंने बच्चों के लिए रखे हैं, आप लोग जरूर इसको ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। एक टिप्स एंड ट्रिक के साथ ये बहुत बढ़िया बनता है। अभी तो मेरा एक कस्टर्ड एकदम पूरा रेडी हो गए हैं फर्स्ट हाफ के लिए। आप लोग भी घर में ट्राई कीजिएगा, मुझे लगता है ज़रूर आप लोगों को अच्छा लगेगा। और मेरा ये वीडियो फर्स्ट टू एंड आप लोगों को पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच टू वॉच माई वीडियो।